हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पर आप पूरा पैटर्न अपना बनाकर दिखाऊंगी। तो इसके लिए हमें बस कुछ ही कलर चाहिए, तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर लिया है, ये डार्क ग्रीन कलर है। और डार्क ग्रीन से पहले मैंने ग्रास बनाई है। तो ग्रास जब ये वाला डार्क ग्रीन से हो जाएगी, फिर वाइट कलर लिया है मैंने, और वाइट कलर से ऊपर से हल्का सा शेड दिया है, जिससे ये लाइट कलर हो जाएगा ऊपर से, और ये टू कलर्स में हो जाएगी। इस तरह से दोनों ग्रास हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम इसके फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए मैंने पहले व्हाइट कलर किया है, फिर इसमें रेड कलर होगा। रेड नहीं है, ये चेरी कलर है। तो व्हाइट कलर मैंने सिंपल वाला व्हाइट लिया है, उसके बाद चेरी कलर को ऊपर से किया है बहुत हल्का सा, और अंदर तरफ शेड दिया है। यहाँ व्हाइट हम ऊपर से लगाएंगे, और ये थोड़ा सा अलग शेप का फ्लावर है, लाइक लोटस। तो कुछ लोटस की तरह है, आप चाहें तो जिस भी शेप को बना सकते हैं, बस आउटलाइन बाद में इसमें आउटलाइन ज़रूर करें बनाने के बाद, उससे फिनिशिंग आती है। और ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम सेंटर में जिसका बना हुआ है वहाँ थोड़ा सा अलग कलर लगाएंगे। तो पहले ये वाला कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ बनाने के लिए हम मैरून कलर लेंगे, डार्क मैरून कलर है 14 मैरून 14। और सेंटर पॉइंट इसी से बनाएंगे। बनने के बाद बहुत प्यारा लगता है, ज़रूर से एक बार ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। नीचे के लिप बनाने के लिए टर्किश ब्लू कलर यूज़ करूँगी, पर्ल कलर है टर्किश ब्लू। थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, ग्रीन कलर ना करके यूज़। तो टर्किश ब्लू कलर इस बार मैंने यूज़ किया, आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा लग रहा है ये। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट ज़रूर करें।